गुड मॉर्निंग छात्रों, आज आप लोगों को प्रश्न नंबर 1 की शुरुआत समझाए जा रहे हैं, जिसमें सवाल है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक होता है। हल करेंगे, हम एक धनात्मक विषम पूर्णांक लेकर प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। एक को लेकर हल करना प्रारंभ करते हैं। इसके लिए हम ए और बी इसके लिए बराबर 6 में विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, चूंकि अर्थात ए संख्याओं में 6 3 6 4 6 5 के रूप का हो सकता है। चूंकि ए एक विषम संख्या है, नहीं हो सकता क्योंकि ये संख्याएं दूसरी विभाज्य हैं, क्योंकि
अर्थात सब संख्याएं अर्थात सम संख्याएं हैं।